बिहार में जाति को लेकर सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू को दिया चैलेंज, कहा सार्वजनिक करें अपनी असली जाति। लालू ने किया पलटवार। हम तो चैलेंज देते हैं उनको कि आप अपनी वंशावली जारी करिए, आप सही मायनों में यादव हैं या आप सही मायनों में गड़ेरी हैं, पता चल जाएगा। हिमाचल में मंत्री विक्रमादित्य के स्ट्रीट वेंडर के लिए नेम प्लेट लगाने के मामले पर कांग्रेस में घमासान। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता जल्द करेंगे आला कमान से शिकायत। कांग्रेस आज रख सकती है आधिकारिक पक्ष। हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के प्रचार अभियान का आगाज आज। नाराजगी की खबरों के बीच असंग में राहुल और कुमारी शैलजा की पहली रैली। कृषि कानूनों को लेकर दिए बयान पर कंगना ने मांगी माफी। बीजेपी ने बयान से किया किनारा। राहुल गांधी बोले किसानों के खिलाफ बीजेपी का षड्यंत्र सफल नहीं होगा। अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है मुझे खेद रहेगा। I take my words back. मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं क्या? वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जयपुर के कई ई मित्र केंद्रों पर फर्जी तरीके से बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाए जाने का पर्दाफाश। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मारा छापा। फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में 3 लोग हिरासत में। मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन अदालत ने 15 दिन की जेल और 25,000 जुर्माने की सुनाई सजा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी की मानहानि का मामला। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए भारत के 400 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं चीन। ईडी ने चीन के 3 नागरिकों के 25 करोड़ रुपए के क्रिप्टो अकाउंट किए फ्रीज। मुंबई के अंधेरी इलाके में भारी बारिश के बाद खुले मैनहोल में गिरकर महिला की मृत्यु। बीएमसी ने दिए हादसे की जांच के आदेश। 3 सदस्यों की कमेटी 3 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। पैरासिटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल। दवा कंपनियों का दावा चिन्हित बैच नकली है।